क्या सामने से भी गाड़ी आती है तो साइड देना होता है, और पतली सी सड़कें हैं देखो भाई, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक घाटी भाई साहब। ओहो घाटी का नज़ारा देखने आने का अपना अलग ही मज़ा है भाई साहब। जाते समय दिखाएंगे अगर दिख गई तो। देखो यहाँ पे बहसबाजी चालू हो गया कैसे। ओ भाई हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे को फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं आप लोगों को पंचमढ़ी का सबसे खतरनाक घाटी दिखलाने वाला हूँ गाइस। पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। जब भी आप पंचमढ़ी आते हैं, पंचमढ़ी से अगर चौड़ागढ़ जाते हैं तो आप लोगों को ये घाटी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, द्विवेदी भाई भी वीडियो शूट कर रहा है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आवाज़ आ सकती है। तो चलो आप लोगों को यहाँ का जो घाटी है वो दिखलाते हैं। ये देखो यहाँ से प्रारंभ है, जिप्सी जिप्सी देखने को मिलेगा आप लोगों को। प्रारंभ किया जाए आज का घाटी का, दिखलाते हैं भाई साहब कितना खतरनाक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है घाट प्रारंभ, घाट का नाम लिखा नहीं है तो हम लोग इसको पंचमढ़ी घाटी नाम दे रहे हैं। बाकी आप लोग अगर यहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं एक्चुअल इसका नाम क्या है, तो बाद में अपन सुधार भी देंगे। ये देखो इस तरह से भाई साहब, अब इन लोगों को क्या है ना आदत हो गया है, इन लोग धड़ल्ले से चलाते हुए निकलते हैं। हमारे पीछे साइड में भी बहुत सारे जिप्सी है जो हमें हॉर्न पे हॉर्न दिए पड़े हैं, तो हॉर्न देने से क्या होता है भाई, आगे तो हम ही हैं। ओ भाई खतरनाक, धीरे धीरे मेरे को पकड़ ले रहा है बहुत खतरनाक है भाई साहब। ये देखो हद है यार, हद है भाई। तुम्हारा पंचमढ़ी इसका मैं मतलब थोड़ी ना कि तुम हमको जाने ही नहीं दोगे। जी लो जिंदगी अपनी गोरवा के। देख इस तरह से भाई काटते हुए निकालते ना तेज रफ्तार से। अब हम लोग का क्या है गाइस की आदत हो गया ना तो एकदम रफ चलाते हैं हम लोग, और जो नए लोग हैं उन लोग के लिए तो भाई आराम आराम से चलाना होगा। क्या सामने से भी गाड़ी आती है तो साइड देना होता है, और पतली सी सड़कें हैं देख ही सकते हैं। वो व्यू भी काफ़ी शानदार सा है, आते समय दिखेगा वो है चौड़ागढ़ मंदिर जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ओ तेरी की 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 ओ तेरी मेरे पकड़ता तो ऐसा लगता कि कोई पीछे खींच रहा है। चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा घाटी का आनंद उठाने वाले हैं हम, और आप लोगों को भी दिखलाने वाले हैं। देखो पत्थर पत्थर गिर गया भाई साहब, धूप की वजह से पता नहीं प्रॉपर आप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं। ओ भाई लेकिन काफ़ी खतरनाक घाटी भाई साहब। ओ हो देख लो नज़ारे, देख लो भिड़ू पहाड़ ही पहाड़ है, और मज़ा आ रहा भाई, ठंड महसूस हो रही है इस साइड में। एक और पॉइंट है यहाँ पे धूपगढ़ करके, वहाँ भी सोच रहे कि अपन जाएंगे करके, वहाँ पे सूरज ढलते हुए और सूरज निकलते हुए अपन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है और काफ़ी हाइट में है। ये देखो कंटिन्यू भाई इस तरह से जिप्सी आप लोगों को देखने को मिलते ही रहेंगे। पतली सी सड़कें हैं, अब क्या ही बोलूं मैं, अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे। ओ हो गाड़ी भाई पिकअप नहीं है, गाड़ी ख़त्म हो गया पिकअप इसका, जाएंगे वापस भिलाई तो फिर इसका सर्विसिंग अच्छे से कराएंगे। हालांकि अच्छे से सर्विसिंग करा के ही आया था मैं, लेकिन क्या घाट इतना ख़तरनाक है कि गाड़ी जल्दी उठती भी नहीं है। देखो दिखलाते हुए हम चल रहे हैं आप लोगों को घाटी का नज़ारा। सामने में देख सकते हैं पहाड़ कितना खूबसूरत से दिख रहा है, पहाड़ बहुत बड़ी है घाटी है भाई, छोटा मोटा मत समझिएगा इसको। और इस तरह से घाटी आप लोगों को ना जब आप यहाँ से रिटर्न होंगे, जैसे कि हम लोग रिटर्न होने वाले हैं कल, तो
अपने को कम से कम 80 किलोमीटर का घाटी इसी तरह से जो रात को हम लोग होते हुए आए थे भाई साहब, इसी तरह से घाटी सिंगल रूट जाते समय आप लोगों को दिखलाएंगे, उसका अलग से व्लॉग शूट करेंगे हम। हॉर्न देना ज़रूरी है भाई साहब, पता नहीं कब कौन सी जिप्सी आके टकरा जाए। ओहो अलग ही फीलिंग है भाई यहाँ की, क्या ज़बरदस्त, एक नंबर भाई, एक नंबर एक नंबर, मज़े ही मज़े हैं अपने। और आप लोगों को कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसका व्लॉग शायद ही कोई बनाया होगा इस घाटी का, हम पहले हैं जो यहाँ का व्लॉग शूट कर रहे हैं, वही तो बताया ना, बाइक में आने का अपना अलग ही मज़ा है भाई साहब। तो जिप्सी वाले भाई साहब तो आगे ही निकल लिए हैं, पीछे में और है जिप्सी, हॉर्न पे हॉर्न दिए पड़े हैं। ये देखो अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, अभी चढ़ाई कर रहे थे अब नीचे उतर रहे हैं। देखते जाइए आप लोग, पूरा घाटी दिखला रहा हूँ आप लोगों को, पंचमढ़ी का खतरनाक मोड़ है भाई, खतरनाक। हम लोग जब रात में चला लिए तो फिर भी धीन है भाई साहब, वो भी आराम आराम से चला रहे हैं। ये देखो किस तरह से कट मारते हुए भाई इतना तेज रफ्तार से, ये अगले की हालत ही ख़राब हो जाए। आराम से चलाना चाहिए भाई, सामने से भी गाड़ी आती रहती ना, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आते समय तो अपन देखे भी थे एक दो गाड़ी पलटी हुई है, वो भी नई नई गाड़ियाँ, जाते समय दिखाएंगे अगर दिख गई तो। पंचमढ़ी सिटी यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी पंचमढ़ी सिटी भी पहाड़ के ऊपर में स्थित है, काफ़ी हाइट में। और ये पूरा जितने भी जंगल झाड़ी एरिया देख रहे हैं, ये सतपुड़े के घने जंगल हैं, आपने पढ़ा होगा सतपुड़ा का घना जंगल। एक रुक इस कदर से यहाँ पे मोड़ ही मोड़ है, कंटिन्यू मोड़। खतरनाक मोड़, तो केदारनाथ की याद दिला दिया भाई साहब, जब हम लोग गए थे केदारनाथ वो तो भाई खतरनाक पे खतरनाक है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वहाँ का भी हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ओ भाई क्या बात है भाई, हॉर्न देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं भाई, कब कौन सा ठोक दे आगे। लेकिन भाई चलाने में कितना आनंद आ रहा ना मैं ही जानता हूँ भाई, तो देख के आप लोगों को लग रहा होगा डर शायद तक, लेकिन अपने को उतना कोई डर महसूस नहीं हो रहा क्योंकि अब चला चला की आदत होगी, अपना आराम से मोड़ लेते हैं। लेकिन आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है भाई, फिर से हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं पहाड़, 6 किलोमीटर रह गया है पंचमढ़ी। भाई पिछले दफ़ा जब आया था ना 2019 में, तो हम जिप्सी लिए हुए थे, तो जिप्सी में क्या है कि वीडियो बनाते बनता नहीं था, अभी हम बाइक में तो अच्छे से वीडियो बना रहे हैं। कंटिन्यू आती रहती है भाई जिप्सी, हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे बहसबाजी चालू हो गया, कैसे चला रहे हैं करके, तो यही होता है भाई साहब, देख रहे हो इन लोग भी तो ऐसे चलाते हैं, क्या ही बताएं।
भाई इतने इतने आप लोग इंसान को रखे हुए लेके जा रहे हो, तो आराम से चलाना चाहिए मेरे हिसाब से। देख रहे हो इतने सारे लोग तो भरे पड़े रहते हैं, पलट गए तो उसको जवाबदारी कौन लेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना लंबा ये घाटी है जो हम आप लोगों को घर बैठे दिखला रहे हैं, पंचमढ़ी का खतरनाक घाटी। और फिर से मोड़ स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर पंचमढ़ी सिटी देखने को मिलेगा। पंचमढ़ी 5 किलोमीटर, काफी लंबा ये घाटी है भाई साहब। पीछे से हॉर्न के हॉर्न दिए पड़े हैं भाई, अगर रहेगा तो अपन बिल्कुल जाने देंगे आपको, नहीं तो फिर जितना बजा सकते उतना बजाओ। घाट देखने को मिलेगा, घाटी बाइक से भी आना जाना लोग करते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब कि इक्का दुक्का ही बाइक वाले देखने को मिलेगा आप लोगों को। अधिकतर आप लोगों को सोमो, जिप्सी और कार। यहाँ पे देखो इतने सारे हमारे सैनिक, तो गाइस घाटी समाप्त हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट है, तो यहाँ पे गाड़ी को चेक किया जाता है। और धूपगढ़ जाने के लिए यहाँ से है गाइस, तो यहाँ से धूपगढ़ जा सकते हैं हम।